सो ये है मैवरिक 440 हीरो की लाइनअप में वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोडक्ट। जहाँ पर टू व्हीलर में हीरो की बात आती है, वहाँ पर बात आती है फ्यूल एफिशिएंसी की, रिलायबिलिटी की और साथ ही रीसेल वैल्यू की। अब तीनों टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आज हम इसकी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, इसके अंदर आपको 440 सीसी का इंजन मिलता है जो कि काफ़ी पावरफुल है। 0 to 100 काफ़ी जल्दी पहुँच जाता है, मतलब 3 डिजिट पहुँचने में ज़्यादा टाइम ये इंजन नहीं लगाने वाला है। लेकिन ये एक हीरो है और आपके मन में डेफिनेटली इसके फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर ज़रूर क्वेश्चन आए होंगे कि कितनी फ्यूल एफिशिएंसी ये मैवरिक आपको देने वाली है। सो आज हम वही टेस्ट करने वाले हैं। अभी इसके टैंक को पूरा फिल करा दिया गया है। इसमें पहले से पेट्रोल होने के बावजूद इसके अंदर 3.25 लीटर पेट्रोल आया। अब इसके ट्रिप मीटर को करते हैं 0 और इसे चलाते हैं पूरे 100 से 150 किलोमीटर और वापस इसके टैंक को पूरा फिल कराएंगे और देखते हैं कि कितना पेट्रोल इसके अंदर आता है और कितनी फ्यूल एफिशिएंसी ये मैवरिक 440 आपको देने वाली है। इसकी टैंक को फिल कराते ही हम निकल गए दिल्ली दर्शन के लिए, दिल्ली और उसकी गर्मी। और साथ ही ये 400 सीसी से भी बड़ा इस मोटरसाइकिल का इंजन, ज़्यादा गर्मी में चलाएंगे तो डेफिनेटली इस इंजन की हीट आपको जो है परेशान करने वाली है, स्पेशली इन ट्रैफिक। अब वैसे तो हमने इस मोटरसाइकिल का ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, बट इस टेस्ट के दौरान हमने इसको काफ़ी चलाया। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो इसके इंजन के हीट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी सीट पोजीशन इज गुड, सीट कुशनिंग भी इतनी जल्दी आपको परेशान नहीं करेगी। सरल भाषा में कहूँ तो सीट इज कम्फर्टेबल। वाइब्रेशन भी आपको जल्दी से फील नहीं होगी अनटिल और अनलेस आप इसे हाई रैव कर देते हैं या फिर ज़्यादा पुश करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली इसकी वाइब्रेशंस आपको इसके हैंडल बार में ज़रूर फील होने वाली हैं। अब बात करें इस मोटरसाइकिल के प्राइसेस के बारे में, तो इसका प्राइस आपको मिलता है 1.99 लाख रुपीज़ से लेकर 2.24 लाख रुपीज़ तक। अब ये जो हमारे पास वेरिएंट था ये था 2.24 लाख रुपीस एक्स शोरूम वाला वेरिएंट। अब कंपनी ने इसकी माइलेज को लेकर ऑफिशियली कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस वीडियो में आप जानेंगे हमारे दिल्ली दर्शन और इतनी ज्यादा चलाने के बाद आखिर इस मैवरिक 440 ने हमें माइलेज कितनी दी। सो गाइस, अभी हम उसी पेट्रोल पंप पे आ गए हैं जहाँ से हमने सुबह पेट्रोल लगवाया था और इस बीच हमने इस मोटरसाइकिल को पूरे 119 किलोमीटर चला दिया। अब उसे हाईवे पे भी चलाया, सिटी पे भी चलाया, वो आप देख ही चुके हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर पेट्रोल कितना आता है और इसके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी हमें कितनी मिली है। सो गाइस, अब मैं बताता हूँ कि इस टेस्ट के दौरान हमने इस मोटरसाइकिल को सिटी में भी चलाया, हाईवे पे भी चलाया और ट्रैफिक में भी चलाया, लो स्पीड पे, हाई स्पीड पे भी चलाया, मतलब 30 पे भी चलाया और 130 पे भी चलाया। और हमने इस मोटरसाइकिल को पूरा 119 किलोमीटर चलाया। इसमें 119 किलोमीटर चलाने के बाद इसके अंदर पेट्रोल आया 3.96 लीटर, मतलब ऑलमोस्ट 4 लीटर। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी माइलेज कैलकुलेट करें तो 119 डिवाइड करेंगे आप 3.96 से, तो इस मैवरिक 440 ने हमें जो माइलेज दी वो थी 30.05 किलोमीटर पर लीटर। आई एम अगेन रिपीटिंग कि मैंने इसको तीनों कंडीशंस में चलाया तो उसके अकॉर्डिंग ये मुझे माइलेज मिला है। अगर आप इसे थोड़ा सा लो स्पीड पर या मेंटेन स्पीड पर चलाते हैं तो ये मोटरसाइकिल और भी अच्छा माइलेज दे सकती है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी अच्छी माइलेज इसने ऑलरेडी दे दी है। सो गाइस, क्या थॉट्स हैं आपके इस मोटरसाइकिल के रिगार्डिंग और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी के रिगार्डिंग, प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसका पूरा रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो टाइम्स टाइप के सोशल हैंडल पे आप देख सकते हैं। सो दिस इज आयुष गुप्ता साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।